तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अच्छा ही होगा। तो यार यूएफसी 304 अभी अभी खत्म हो के हटी है और सारे के सारे ही रिजल्ट जो थे वो अनएक्सपेक्टेड आए थे भाई। सो सबसे पहले हम फाइट की बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, वो थी पैडी पिम्बलेट और बॉबी ग्रीन की। और मैंने सोचा नहीं था कि पैडी पहले राउंड में इतना इंप्रेसिव सबमिशन विन ले जाएंगे बॉबी ग्रीन से। और बॉबी ग्रीन जो है वो बहुत ही अच्छे फाइटर है भाई, आप सबने देखा ही होगा। इस्लाम को शॉर्ट फाइट नोटिस पे उन्होंने फाइट किया था और उसके बाद अब जब उनकी फाइट पैडी पिम्बलेट से थी, मुझे लग रहा था कि भाई बॉबी उनको डैमेज कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बॉबी ग्रीन से गलती हुई और पैडी ने साथ के साथ ही उनको ट्रायंगल चॉक में फंसा लिया और उनको सबमिशन विन मिल गया। और पैडी के कैरियर के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है। सभी लोग उनको डाउट करते थे कि भाई उनकी जस्ट हाइप है और कुछ नहीं, लेकिन पैडी ने बता दिया कि भाई उनमें भी कुछ टैलेंट है। वो कहते हैं तुझमें क्या हुनर है ये बताना जरूरी है, अगर तू जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो पैडी यार जिंदा दिल से लड़े और वो जीत गए। सेकंड फाइट की हम बात करते हैं भाई, वो थी टॉम एस्पिनल और कर्टिस ब्लेड्स की। इस फाइट का रिजल्ट जैसा कि मुझे लग रहा था वैसा ही आया। टॉम कर्टिस को आउटप्ले कर जाएंगे क्योंकि भाई टॉम यंग है, टॉम बिल्कुल ही ज्यादा फ्रेश है और उनमें एक आग है लड़ने की और हैवीवेट टाइटल जीतने की। और उसके बाद उन्होंने जैसे ही उसको कर्टिस को एक पंच मारा और कर्टिस ब्लेड तभी एकदम से नॉकडाउन हो गए और टॉम ने बिना टाइम गवाए उनको पंचेस देने स्टार्ट किए ग्राउंड पे। और टॉम एस्पिनल उस फाइट को पहले ही राउंड में जीत गए, जैसे कि उनका रिकॉर्ड मेंटेन रहा है, वो एक राउंड से ऊपर फाइट नहीं करते और पहले ही राउंड में उन्होंने कर्टिस ब्लेड्स को फिनिश कर दिया। कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत ही जल्दी डिसीजन दे दिया, अभी तो कर्टिस ब्लेड अभी तो अपने कॉन्शियस थे, लेकिन नहीं भाई, वो अपने आप को डिफेंस नहीं कर रहे थे, उन्होंने हाथ ऐसे जमीन पे रख दिए थे, वो पंचिस को रोक भी नहीं रहे थे, इसीलिए जो रेफरी हैं उनको डिसीजन देना पड़ा और यही उनकी ड्यूटी है और यही फाइट का रूल है। और थर्ड फाइट की हम बात करें तो सबको उस फाइट का इंतजार था, मुझको खास तरीके से उस फाइट का इंतजार था। मुझे लगता था कि भाई लियोन इस फाइट को जीत जाएंगे एक नॉकआउट की वजह से, क्योंकि उनका होम टाउन था, क्राउड उनके लिए चीयर कर रही थी और वो अपनी एक इमेज सेट करना चाहते थे, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल ही उल्टा आया। बिलाल ने लियोन को उनकी ही गेम में फंसा लिया और बिलाल जैसे चाहते थे वैसा ही उनकी गेम चली। बिलाल ने रेसलिंग की, आउट रेसल किया, स्ट्राइकिंग की, आउट स्ट्राइक कर दिया लियोन को और लियोन के पास कोई चांस ही नहीं था भाई राउंड फोर तक जाते जाते कि वो उस टाइटल को सर्वाइव कर जाए। पहले दो राउंड्स बिलाल ने बहुत ही डोमिनेंट तरीके से परफॉर्म किए, थर्ड राउंड में लियोन ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो था अपना टेक डाउन किया और ग्राउंड कंट्रोल 3-3.5 मिनट का था मेरे ख्याल से। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ राउंड बिलाल ने अपने साइड करके इस फाइट को आराम से वन साइडेड कर दिया था। लास्ट 30 सेकंड में लियोन ने फ्रस्ट्रेशन में आके एक एल्बो जरूर मारा और उससे बिलाल को कट लग गया, लेकिन ओवरऑल द फाइट उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम देखते हैं कि भाई यूएफसी फाइटर्स इतना डैमेज तो ले सकते हैं, बिलाल जैसे लॉन्ग टर्म जैसे फाइटर्स तो ये डैमेज को उठा ही सकते थे। और बिलाल को पता था कि भाई ये उनका आखिरी चांस है, अगर ये चांस उन्होंने मिस कर दिया तो वो शायद ही टाइटल की फोटो को भी देख पाए कभी इन फ्यूचर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बिलाल मोहम्मद, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, ओपोनेंट की कंट्री में जाके ओपोनेंट को डोमिनेट कर दिया। लियोन एडवर्ड्स का आगे क्या होगा ये तो यूएफसी ही बताएगी, मुझे नहीं लगता कि लियोन बिलाल से दोबारा फाइट करेंगे क्योंकि यूएफसी ऐसा नहीं चाहेगी कि वो इंस्टेंट रीमैच देके एक बोरिंग फाइट फिर से हमें दे दे। सो बिलाल के लिए अगला ओपोनेंट कौन हो सकता है? कमारू उस्मान, यू नो, ठीक है, हमजा चिमाएव, पर वो तो 185 वाले हैं, अगर आना चाहे तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमजा बिलाल से फाइट करेंगे। मुझे लगता है कि कमारू उस्मान जो है वो एक बार ट्राई जरूर करना चाहेंगे बिलाल के साथ अपने कैरियर की आखिरी फाइट। सो देखते हैं भाई क्या होता है। ओवरऑल हमारा यूएफसी 304 था बहुत ही ज्यादा बढ़िया और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और आपके अगर कोई कमेंट्स हैं इस यूएफसी 304 इवेंट को लेकर तो वो भी आप जरूर करें, मैं उनका रिप्लाई सबका करूंगा। सो लेट्स सी
थैंक यू ऑल, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।